we will continue the exercises of chapter number 5 India political. Okay बच्चों, आज हम chapter 5 India political की exercises continue करेंगे. Now open your book and see page number 39. Fill in the blanks to complete the sentences. बच्चों आपको ये जो blank है वो fill करना है और इस sentence को complete करना है. Clear? India's national language is. बच्चों आपको इसमें बताना है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है. So India's national language is Hindi. तो बच्चों फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे? हिंदी. क्लियर? नेक्स्ट इज द डैश सेपरेट इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. भारत को एशिया के बाकी हिस्सों से कौन अलग करता है? सो इट्स आंसर इज हिमालय. द हिमालय सेपरेट इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज इंडिया हैज दस यूनियन टेरिटरीज. बच्चों इसमें आपको बताना है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं. क्लियर बच्चों? मैं आपको बता दूं कि पहले भारत के 7 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अब बच्चों इस केंद्र शासित 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश और ऐड हो गया है और अब हमारे भारत देश के 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं. क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या राइट करेंगे? 9. इंडिया हैज 9 यूनियन टेरिटरीज. इट मींस बच्चों भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया हैज डैश स्टेट्स. बच्चों इसमें आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं? स्टेट्स का मीन्स होता है बच्चों राज्य. ओके तो बच्चों पहले हमारे भारत में 29 स्टेट्स थे, ठीक है, जो अब घटकर 28 हो गए हैं. ठीक है बच्चों, जो जम्मू एंड कश्मीर था वो पहले स्टेट था, ठीक है, जो अब यूनियन टेरिटरीज में ऐड हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है. जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था जो अब केंद्र शासित प्रदेश में ऐड हो गया है. क्लियर एवरीवन? सो इंडिया हैज 28 स्टेट्स. ठीक है, तो भारत में अब कितने राज्य हैं? 28. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ. अब बच्चों इसमें बताना है कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है. सो इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है. क्लियर एवरीवन? बच्चों इसे आपको अपनी बुक में ही फिल करना है. सो डोंट ट्राई इन योर क्लास वर्क कॉपी. तो इसलिए बच्चों आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसे नहीं राइट करोगे. क्लियर स्टूडेंट्स? आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया. बच्चों आपको इसमें बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं. ठीक है, सो इट्स आंसर इज देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. तो बच्चों भारत में पूरे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 39 से राइट करना होगा. ठीक है, आप क्वेश्चन इज नेम इंडियाज नेबर्स. ठीक है बच्चों, इसमें आपको भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताना है. क्लियर? सो इट्स आंसर इज इंडियाज नेबर्स आर. भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. क्लियर एवरीवन? बच्चों ये आपका क्लास वर्क भी है. ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग मेंशन करनी है, देन
ये क्वेश्चन राइट करना है, देन ये आंसर राइट करना है, ठीक है बच्चों। आपको ये हेडिंग अंडरलाइन भी करनी है, ठीक है। और बच्चों मैंने ये क्वेश्चन खुद से क्रिएट किया है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं तो आप बुक से ही क्वेश्चंस राइट करोगे फ्रॉम पेज नंबर 39। क्लियर एवरीवन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। बच्चों इसमें आपको भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के नेम राइट करने हैं। क्लियर एवरीवन। सो इट्स आंसर इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स मिलकर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लक्षद्वीप। और बच्चों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्लियर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट लोकेटेड। केंद्र सरकार कहाँ पर स्थित है। सो इट्स आंसर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। बच्चों केंद्र सरकार न्यू दिल्ली में स्थित है। क्लियर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबल योर स्टेट एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। बच्चों इसमें आपको एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप पर अपने स्टेट का नेम लेबल करना है, ठीक है। सो नाउ टेल मी इन विच स्टेट यू लिव इन। यस वी लिव इन उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं। क्लियर एवरीवन। तो बच्चों ये आपका पॉलिटिकल मैप है और हमारा उत्तर प्रदेश राज्य कहाँ पर स्थित है। हियर हियर इज आर उत्तर प्रदेश। बच्चों अब आपको उत्तर प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स यानी कि पड़ोसी राज्य बताना है, ठीक है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश के आसपास जो भी स्टेट्स हैं वही उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कहलाएंगे। क्लियर एवरीवन। बच्चों उत्तर प्रदेश के वेस्ट में है हरियाणा और राजस्थान। हियर इज हरियाणा एंड हियर इज राजस्थान। क्लियर एवरीवन। और बच्चों इसके नॉर्थ डायरेक्शन में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हियर इज उत्तराखंड एंड हियर इज हिमाचल प्रदेश। क्लियर एवरीवन। बच्चों इसके ईस्ट डायरेक्शन में है बिहार और झारखंड। क्लियर एवरीवन। और बच्चों नेक्स्ट साउथ डायरेक्शन में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर। हियर इज मध्य प्रदेश एंड हियर इज छत्तीसगढ़। क्लियर एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। दिस इज योर होमवर्क दैट लर्न एंड राइट 5 स्टेट्स एंड कैपिटल। बच्चों आपको 5 स्टेट्स और उनके कैपिटल का नेम लर्न करना है एज वेल एज उसे अपनी होमवर्क कॉपी में राइट भी करना है, ठीक है। बच्चों अभी तक आपने 5 स्टेट्स और उनके कैपिटल्स लर्न कर लिए हैं आंध्र प्रदेश से लेकर बच्चों छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आप गोवा से लेकर झारखंड तक लर्न करोगे एज वेल एज राइट भी करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।